उनका भी फायदा हो जाएगा। खैर, इन बुक टू वी हैव लर्न्ड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, वेर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसकी ग्राफिंग बुक टू में आती है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमारे पास ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। इन चैप्टर वन ऑफ दिस बुक, अगर आपको याद हो कि इस बुक के चैप्टर वन में भी हमने ये वाला इशू डिस्कस किया था, हाउ टू स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x माइनस h इनटू x माइनस k, या नेगेटिव ऑफ दिस फॉर्म वेयर h एंड k आर द कॉन्स्टेंट्स, और ये वाली फॉर्म भी हमने डिस्कस की थी इसी यानी D3 के चैप्टर वन में। आप चाहें तो वहां से देखकर थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस, उनकी ग्राफिंग वो समझने के बाद अब हम जाएंगे एक फर्दर स्टेप फॉरवर्ड, और उसमें हम क्या करेंगे, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक फंक्शंस। क्यूबिक फंक्शंस जाहिर है वो फंक्शंस होंगे जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्यूब हमें मिलेगी। जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते थे जहां एक्स की मैक्सिमम पावर हमें स्क्वायर मिलती थी। इन जनरल क्यूबिक फंक्शंस आर ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अगर सारी की सारी टर्म्स प्रेजेंट हो तो क्यूबिक फंक्शन इस फॉर्म में होगा, और ये बाकी मुमकिन है, पॉसिबल है कि आपके पास इनमें से एक या एक से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट ना भी हों। उस केस में मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना हो, एक्स वाली टर्म ना हो, या डी जीरो हो, ये सब हो सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हमने क्यों अप्लाई की है, इसका क्या फायदा है? आपको याद होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन में भी हम ये कंडीशन अप्लाई करते थे कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी ये कंडीशन है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि ए है, अगर वो जीरो हो गया तो फिर ये क्यूबिक फंक्शन नहीं रहेगा। तो हम चूंकि सारी डिस्कशन क्यूबिक फंक्शंस पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब वाली टर्म का प्रेजेंट होना जरूरी है, और अगर किसी वजह से एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती तो फिर ये क्यूबिक फंक्शन नहीं रहेगा। चाहे एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाए, या एक्स वाली, या कांस्टेंट, या तीनों तीनों खत्म हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म तो प्रेजेंट रहेगी, तो वो फंक्शन क्यूबिक ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स क्यूब भी खत्म हो गया तो फिर वो फंक्शन क्यूबिक नहीं रहेगा। तो सही, अब हमें कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना है। ये पहली इन्वेस्टिगेशन हमें करवा रहे हैं, और ये क्या है, ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक फंक्शंस। ये कह रहे हैं कि यूजिंग अ ग्राफ ग्राफिंग सॉफ्टवेयर ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। कुछ ग्राफ्स हमें गिवन है, इन सबको हमें ड्रॉ करना है, हो जाएगी इन सब का। तो मैंने अपने पास GeoGebra खोल लिया और अब मैं इस पे जो है ना कुछ फंक्शंस ड्रॉ करता हूँ। तो मिसाल के तौर पर पहला फंक्शन जो था वो था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से x ले लेंगे, यहाँ पे उसकी पावर, और वो हमने 3 अप्लाई कर दी। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये तकरीबन पैराबोला की तरह है, लेकिन जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसके बाद ये फर्दर ऊपर वापस कंटिन्यू नहीं करता, बल्कि लोएस्ट पॉइंट से पहुंचकर इसमें एक तरह का ये टर्निंग आती है, और फिर ये बाकी का जो पैराबोला है वो डाउन साइड होकर कंटिन्यू होता है एक्स क्यूब। सही, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ कोफिशेंट अप्लाई करके क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए 2x क्यूब का फंक्शन भी हमारे सामने आ गया। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर क्या फर्क हो रहा है, तो ये डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पोर्शन में नहीं यहाँ पे शो कर रहा। इसी तरह अब मैं फर्दर चेंज करता हूँ, जैसे बुक में था ना कि आप जो है ना 5x क्यूब को ले लें। सो 5x क्यूब,
चलिए ये देखिए, ये अब आपके पास तीसरा ग्राफ आ गया। तो जैसे जैसे आप गौर करें कि ये कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब इंक्रीज हो रहा है, जो स्प्रेड था ना हमारे ग्राफ का, वो श्रिंक होता जा रहा है, वो उतना वाई एक्सिस के करीब होकर ज्यादा स्टीपर होता चला जा रहा है। अब देखें, सेम ग्राफ्स मैं नेगेटिव के साथ बना रहा हूं, यानी एक्स क्यूब, नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ये देखिए, आपको ग्रीन वाले ग्राफ में, जो कि एक्स क्यूब का ग्राफ था, और ये जो लास्ट मैंने ग्राफ बनाया है, इनमें रिलेशन जरा देखना है। बिल्कुल सेम ग्राफ है, उसका रेप्लिका है, बस ये कि ग्रीन वाला जो ग्राफ था ना, वो अगर मैं बाकी दो ग्राफ्स अभी हटा दूं, तो ग्रीन वाला ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा था, ओरिजिन से पास हुआ, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कंटिन्यू कर रहा है नीचे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ देखें, तो वो हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट से आ रहा था, पैराबोला की तरह आ रहा है तकरीबन, ओरिजिन से पास हुआ, और ओरिजिन से पास होने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटिन्यू कर, -2x³, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। ये देखिए, अब मैं सारे ग्राफ शो कर रहा हूँ, तो ये देखें, अगर हम अभी बाकी के ग्राफ्स हटा के इन दोनों नेगेटिव्स को कंपेयर कर लें, ये देखें, जो आपको राइट साइड से यहां से जाता हुआ नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं -5x³ को ड्रॉ कर दूं, ये आ गया आपके पास नेगेटिव। ये देखें, ये नेगेटिव का ग्राफ है, और इसी के साथ अगर मैं पॉजिटिव दिखाऊं तो वो ये है। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये है कि जैसे जैसे कोफिशियंट्स इंक्रीज होते जाएंगे, स्प्रेड ऑफ द ग्राफ वो श्रिंक होता जाएगा, सही। और दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे ग्राफ्स ओरिजिन से पास होंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ आएगा, और फिर ओरिजिन से पास होने के बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, वहां से जा रहा होगा। और अगर ये नेगेटिव है, तो इनिशियली आपके पास एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और फिर उसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पास होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ्स हैं जो कि यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए दिए गए थे। अच्छा, अब हमने ये सब कुछ ड्रॉ कर लिया, हमने इनको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व भी किया। अब ये पूछ रहे हैं कि फॉर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, वेर ए इज अ कॉन्स्टेंट, हाउ डज द वैल्यू ऑफ ए अफेक्ट द शेप ऑफ द ग्राफ। हाँ, देखें, एक चीज ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, द ग्राफ गोज थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इफ ए इज लेस देन जीरो, मतलब है नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, देन द ग्राफ गोज थ्रू द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसी तरह अगली ऑब्जर्वेशन ये थी कि इफ ए इज इंक्रीज, यानी उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, द स्प्रेड ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेस। ग्राफ जो है ना, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा बल्कि श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने इन ग्राफ को देखकर ली हैं। अब ये कह रहे हैं कि यूजिंग अ ग्राफिंग सॉफ्टवेयर, ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब इसके बाद हमें मजीद कुछ ग्राफ्स जो है ना, वो भी ड्रॉ करने हैं। तो अब इन इन ग्राफ्स को भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 6 के 6 ग्राफ्स हैं, हम एक एक करके जरा पहले इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखें, अगर आपके पास ग्राफ था एक्स क्यूब का, तो वो इस तरह था, सिंपल ग्राफ था, ओरिजिन से पास हो रहा था, एक्स क्यूब -x² + 1। तो पहला फर्क आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो एक्स क्यूब वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये ओरिजिन से पास हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा ग्राफ दिखाता हूँ आपको। ये जो दूसरा ग्राफ है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ये किससे पास हो रहा है, ये है 0.1, इस पॉइंट का नाम, ठीक है। तो ये 0.1 से
पास हो रहा है। ओके तो एक तो ये हो गया। अच्छा अब इस वन का रिलेशन आपको इक्वेशन ऑफ द ग्राफ में कहीं फील हो रहा है? इक्वेशन ऑफ द ग्राफ या फंक्शन वहां पर आपको कहीं वन नजर आ रहा है? तो इसका मतलब है कि अगर क्यूबिक फंक्शन में सिंपल कोई नंबर ऐड होगा तो जो आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होगा ना वो उसी तरह से ओरिजिन से पास होने के बजाय वाई एक्सिस पे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अगर प्लस वन हो रहा है तो वो भी बजाय इसके के ओरिजिन से पास होता वो वाई एक्सिस पे प्लस वन वाले पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है। अच्छा कोई और ऐसा ग्राफ है जहां पे आपको यही प्लस वन नजर आ रहा हो? ईच ऑफ द ग्राफ्स इन क्वेश्चन थ्री हाउ डज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अफेक्ट द शेप ऑफ द ग्राफ इन ग्राफ्स। तो अगर मैं कहूं कि यहां भी इसी तरह हुआ कि अगर ग्राफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो जैसे ये तीन पॉजिटिव थे ना, तीनों को हम देख लेते हैं, ये तीनों पॉजिटिव थे तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ उसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा था और थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ कंटिन्यू कर रहा था। ऐसे ही हुआ यहाँ पर, सही। अच्छा अब मैं आपको नेगेटिव वाला दिखाता हूं। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट से आकर फोर्थ क्वाड्रेंट में कंटिन्यू कर रहा है। ये तीनों नेगेटिव के अंदर ये कॉमन फीचर हमने देखा, नहीं देखी थी कि जैसे मैंने पहले के छह ग्राफ्स ड्रॉ किए थे ना, ये एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वन है। तो आप इसकी शेप देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से आया, ओरिजिन से पास हुआ और थर्ड क्वाड्रेंट में कंटिन्यू कर रहा है। ये भी देखें, पॉजिटिव टू है, इसी तरह का ग्राफ है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव फाइव है, सेम ग्राफ है। अब आप नोट करें जब माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ है तो ये रिवर्स हो जाएगा, जो पॉजिटिव की शेप थी ना उसके ऑपोजिट शेप यहां बनेगी। और ये चीज वो नीचे वाले छह ग्राफ्स के अंदर भी उसी तरह से हो रही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। ओके मजीद देखें, कह रहे फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन we observe that for the graph of a cubic function of the form y is equal to positive a x cube the graph takes the shape of 7.1a। ye dekhiye 7.1a is tarah ki shape lega if a was greater than 0, agar a positive hai, aur ye 7.1b ki shape lega if a is less than 0 means it is negative। तो ये इस तरह की शेप लेगा। ठीक है। अब एक और चीज देखें, इन जनरल द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन दैट इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म जहां पे क्यूब वाली, स्क्वायर वाली और एक्स और डी ये सारी टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, वुड टेक द शेप इन फिगर 7.2 बट मे नॉट पास थ्रू द ओरिजिन इफ डी यानी ये जो कॉन्स्टेंट है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये देखिए, एक ये है एक ये है, ये वाला जो ग्राफ है जाहिर है यहाँ पे d इज इक्वल टू जीरो है तो इसलिए वो ओरिजिन से पास हो गया। यहाँ भी d इक्वल टू जीरो है, ओरिजिन से पास हो गया, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म्स का इफेक्ट हमें नजर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म्स का इफेक्ट हमें नजर आ रहा है लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट समझें कि यहाँ पर जीरो है। ठीक है। अब ये क्यूबिक फंक्शन और इनके ग्राफ्स के बारे में कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन थी, नो हाउ थी जो हमारे पास होनी चाहिए, तो फिर हम ग्राफ की प्लॉटिंग की तरफ जा सकते हैं। हमें यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 centimeters टू रिप्रेजेंट 1 unit ऑन द एक्स एक्सिस, जो हमें यहाँ पर स्केल दिया जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 centimeters, 2 centimeters का मतलब होगा 2 boxes, 2 boxes को आप यूज करें टू रिप्रेजेंट 1 unit। ठीक है। तो अगर मैं आपको इस की थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखाऊं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना एक रेशो है 1:1 की, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक्स एक्सिस को चेंज करूँ तो मैं इसको यूं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। वन बॉक्स पे किसको शो कर रहा है? वन बॉक्स पे 0.5 को शो कर रहा है और 2 boxes पे किसको शो कर रहा है? 1 unit को। तो ये है असल में,
कि यूज अ स्केल ऑफ 2 centimeters टू रिप्रेजेंट 1 unit. तो 2 centimeters 1 unit को रिप्रेजेंट करना चाहिए. इसका मतलब है कि 1 unit आपका कंप्लीट होना चाहिए 2 boxes पर जाकर. सही है? अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या करना है? ऑन द एक्स एक्सिस. एंड 2 centimeters टू रिप्रेजेंट 10 units ऑन द वाई एक्सिस. 2 centimeters यानी 2 boxes पे आपको 10 units शो होने चाहिए. ओके? तो अब जरा देखते हैं कि हम अगर मैं वाई एक्सिस को भी एडजस्ट करूं तो हमें 1 box पे फिर 5 नजर आना चाहिए. ये देखें 1:2 की कर दी है. तो मैं इसको 1:10 का बना देता हूं. ये देखिए, तो अब इसने स्केल को एडजस्ट कर दिया. यहां पर 2 centimeter पे 1 unit शो हो रहा है, y एक्सिस पे 2 centimeter पे 10 units शो हो रहे हैं. Okay. अब जरा देखिए, जब आपने इस तरह का वो बना लिया ना अपने पास एक्सिस, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें ना ये जो शेप्स थी ना, इनका स्प्रेड और क्लियर हो जाएगा. अब नोट कीजिए, स्प्रेड क्लियर है, ये जरा ज्यादा स्प्रेडेड फॉर्म में ना हमें नजर आ रहा है. तो ये फायदा है इस तरह के स्केलिंग करने का. अच्छा, अब करना क्या है आपको, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू x³ + 3 एंड y इज इक्वल टू -x³ - 3. और x की वैल्यूज क्या कंसिडर करेंगे, दोनों ही आपने एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने हैं. और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस कहे हैं, वो हम अभी सॉल्व करेंगे. सबसे पहले देखें, हमने डेटा टेबल ड्रॉ कर लिया और x की वैल्यूज हमने वो कंसिडर करनी जो कि हमें गिवन थी, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. ये एक नॉर्मल तरीका होता है कि 1, 1 के डिफरेंस से हम लोएस्ट से हाईएस्ट तक वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं. तो यूं समझे हमारे पास 7 वैल्यूज आ गई. अच्छा, अब y इज इक्वल टू x³ + 3 में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x को जाहिर है क्या रिप्लेस कर देंगे, -27 + 3 - 24. नेगेटिव बेस पे ऑड पावर होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, इंडाइसेस में हमने पढ़ लिया था. अच्छा, -2 पुट कर दें, -2 का क्यूब है अगेन, तो -8 आंसर आएगा. -8 + 3 - 5. -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 3 में से सब्ट्रैक्ट होके 2. 0 पुट कर देंगे तो सिंपल 3, 1 पुट करेंगे तो 4, 2 पुट करेंगे तो 11 और 3 पुट करेंगे तो 27 + 3 = 30. अच्छा, अब देखें अगली रो पर आ जाए. ये अब एक दूसरा कर्व है, इसमें y की वैल्यूज निकालने के लिए अगेन हम -3 यहाँ पुट करेंगे, तो -3x³ आपको -27 आंसर देगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव 27 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 24. और इसी तरह बाकी सिंप्लीफिकेशन करके ये आपके पास आंसर आ जाएंगे. अच्छा, ये सारे आंसर्स आ गए. अब आपने देख लिया कि आपको y में मैक्सिमम वैल्यू 30 और यहाँ पर मिनिमम -24, यहाँ पर मैक्सिमम 24 और मिनिमम -30. तो अब आपने ग्राफ इस तरह लेना है कि y एक्सिस पे आपको पॉजिटिव साइड पे 30 और मिनिमम साइड पे भी -30 की वैल्यू मिल जाए. ओके, x एक्सिस पे वही है, दोनों के लिए सेम है, पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम 3 है और नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम -3 है. तो अच्छा ये होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है ना, उनसे एक एक कम अज कम बॉक्स एक्स्ट्रा रख के हम ग्राफ बना लें. अच्छा, अब अगर हम पहला वाला ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हम पॉइंट्स किस तरह लेंगे. पहला पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है, -3 - 24. हमने क्या करना है, हम ओरिजिन पर खड़े हैं, -3 पे जाना है. -3 का मतलब हम ये गए लेफ्ट पर, ये आ गया -3 और -24 के लिए फिर हमें नीचे जाना होगा. तो -3 पर आकर हम -24 पर आए, तो ये हमने पॉइंट को एक क्रॉस लगा के मार्क कर दिया. सही, अगला पॉइंट देखें, -2 पे -5. ओरिजिन से स्टार्ट हुए, -2 पे पहुंचे और -5, ये 1 box है. उससे अगला पॉइंट -1 पे 2, ओरिजिन से स्टार्ट किया -1
और टू ऊपर की तरफ आ गया, और इसी तरह से जीरो पर थ्री है तो जीरो पे थ्री आ गया, और इसी तरह बाकी पॉइंट्स हमने एक रो के पूरे बनाकर उसको स्मूथ हैंड कर्व बनाना है बगैर स्केल के, एक ही दफा हाथ से सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने कर्व बना दिया। ये आपका जो कर्व है ये y is equal to x cube plus 3 का है, और हमने देखा कि ये 3 से पास हो रहा है, ये प्लस 3 हमें बता रहा था कि इसको प्लस 3 से पास होना था, और पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव कोफिशियंट ऑफ x cube बता रहा था कि इसकी शेप इसी तरह की होनी चाहिए थी। नीचे वाले कर्व के लिए पहला पॉइंट बनेगा -324, तो हम ओरिजिन से -3 पर गए और पॉजिटिव 24 पर हमने पॉइंट मार्क कर लिया। सेकंड पॉइंट -2 और 5, ये मार्क हो गया। अगला पॉइंट है -1, -2, तो -1 और नीचे -2, और फिर 0, 3, 0, -3, ये नीचे आ गया, और फिर बाकी पॉइंट्स प्लॉट हो गए। तो इसकी ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरह हम सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए इसकी ड्राइंग करते हुए इसको नीचे तक ले जाएंगे। और कर्व से हमें पता चल रहा था कि हमारे पास ये जो है ना -3 से पास होगा, आप देखें इसने वाई एक्सिस को -3 पे कट किया है। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर आपके पास कलर पेंसिल्स हों तो आप कलर पेंसिल से डिफरेंट कलर से दोनों ग्राफ्स ड्रॉ कर लें, वरना सेम भी हो सकते हैं, और फिर उस पर इस तरह किसी जगह पे इनकी इक्वेशंस लिख दें तो पता चल जाएगा कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। ग्राफ के ऊपर स्केल इसी तरह लिखा जाता है, वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये था, वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स। ड्राइंग करने के बाद अब हम ये वाली वैल्यूज फाइंड कर देंगे, द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1.5 हर ग्राफ के लिए, दोनों पे निकाल लिए, और द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 20। तो पहले देखें, हमने एक्स की वैल्यू 1.5 रखी, एक ग्राफ पे वैल्यू अराउंड 6 या 7 आ जाएगी और दूसरे ग्राफ पे यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो आंसर इन्होंने नीचे शो किए होंगे कि एक्स क्यूब प्लस 3 के लिए आपके पास 6.5 आ रहा है और दूसरे वाले के लिए -6.5 आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा था हमें y की वैल्यू 20 पे निकालनी थी, तो हम ओरिजिन से y की वैल्यू 20 पे गए, यहाँ से हमने दोनों कर्व्स के ऊपर डॉटेड लाइंस ड्रॉ की और देखा कि ये पॉइंट नीचे x एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये मीट कर रहा है 2.6 या समथिंग इस तरह पर, और ये वाला मीट कर रहा है -3 के करीब करीब, -2.8 या 9 इस तरह कुछ कर रहा होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ माइनस ये नहीं है, y की वैल्यू 20 पर ये 2.6 है और ये -2.85 है। तो इस तरह आपने इन वैल्यूज के अगेंस्ट में दोनों कर्व्स के आंसर निकाल दिए। करने के बाद प्रैक्टिस नाउ 1 और ये सिमिलर क्वेश्चंस ये आपका होमवर्क होंगे